नमस्कार, किचन अटेम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है चावल की खीर। खीर बनाने के लिए 1/4 कप चावल को 15 मिनट पहले अच्छी तरह से धोकर रख दिया था। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, चावल अच्छी तरह से फूल गई है। अब एक दूसरी कटोरी लेंगे और इसमें से 2 चम्मच चावल निकाल लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 कटे हुए काजू, 1/2 कप गर्म दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे साइड पर रख देते हैं जिससे काजू और चावल अच्छी तरह से फूल जाए। अब एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। मैंने यहाँ पर एक कटोरी में थोड़ा सा पिस्ता, काजू, बादाम और चिरौंजी के दाने लिए हैं। अब इन्हें घी में डालकर थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे खीर में ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। थोड़े से किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब गैस को बंद कर इन्हें एक दूसरे कटोरी में पलट कर रख लेते हैं। शुगर कैरमल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए इसी पैन में 1/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को पैन के चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए डालें और इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर रखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चीनी धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। चीनी मेल्ट हो गई है, अब इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। कैरमल में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। गैस को बंद कर इसे एक किनारे पर रख देंगे। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का एक हैवी बॉटम का कढ़ाई लिया है। अब इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। इस खीर के लिए आप काउ मिल्क या टोन मिल्क, किसी भी तरह के दूध का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खीर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आगे इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे खीर बिल्कुल रबड़ीदार और क्रीमी बनकर तैयार होगी। मीडियम आँच पर दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध में अच्छी तरह से उबाला आ गया है। मैंने यहाँ पर एक तेजपत्ती लिया है, इसे तोड़कर दूध में डाल देंगे। तेजपत्ती ऐड कर लेने से खीर में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब चावल लेंगे और इसे हल्के हाथों से थोड़ा क्रश करके दूध में ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे। चावल डालने के बाद इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें, क्योंकि यह बहुत जल्दी तली में चिपकने लगता है। इसे पकाते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं। दूध भी अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, फ्लेवर के लिए थोड़े से केसर के रेशे, आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक मिक्सर की जार लेंगे, दूध में हमने जो काजू और चावल भिगो कर रखा था इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालकर इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। पेस्ट तैयार है, अब इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसे दूध के साथ चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। इस पेस्ट को ऐड कर लेने से खीर गाढ़ी बनकर तैयार होती है और इससे खीर का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है। अब यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। हमने जो इसमें तेजपत्ती ऐड किया था उसका सारा फ्लेवर खीर में आ गया है। अब इसे हम निकाल कर हटा देंगे। चावल अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें हम तैयार किया हुआ कैरेमल ऐड कर देंगे। कैरेमल तभी ऐड करें जब चावल अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं, इसका कलर कितना बढ़िया आता जा रहा है। इस तरह कैरेमल ऐड कर खीर बनाने से इसका कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मुझे यहाँ पर मीठा थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी और ऐड कर लूँगी। आप यहाँ पर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी के साथ इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब हम गैस को बंद कर इसमें जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेंगे। त्योहारों के इस सीज़न में मेरे बताए तरीके से कैरेमल खीर की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, यह आपको बेहद पसंद आने वाली है। और यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।